मेरिकल नंबर 4 है चैप्टर नंबर 13 का, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस के दरमियान 5 सेंटीमीटर का फासला है और वो दोनों एक दूसरे को 0.5 न्यूटन की फोर्स से रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। फिर आगे है, फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो अगर उनके दरमियान फास्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से कम करके 2 सेंटीमीटर कर दें तो फिर फोर्स क्या होगी। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि 5 सेंटीमीटर से अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी बढ़ेगी। तो हमारे पास डेटा में है कि दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान फासला 0.5 सेंटीमीटर है और दोनों सेम फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो फोर्स है 0.1 न्यूटन। और हमने मालूम करना यह है कि अगर ये फासला कम करके 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो फिर ये कितनी फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास कूलम लॉ है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर डी स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट केस के लिए एफ वन आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू और डी वन स्क्वायर। तो डी वन यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू नहीं दी गई इसलिए हम ये Q1 और Q वाला फैक्टर यहाँ से खत्म करेंगे। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, D1 स्क्वायर F1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और Q जाके इधर डिवाइड करेगा। तो इसी तरह से F2 के लिए, यानी F1 के लिए था, F2 के लिए भी सेम केस होगा। तो यहाँ पे मैंने Q1 Q2 इस फार्मूले से भी अलग कर लिया और इस तरह सेकंड केस के लिए भी मैंने Q1 Q2 यहाँ पे सेपरेट कर लिया। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे तो लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि राइट साइड के भी इक्वल होगी। तो इसको मैं इस वाली वैल्यू फार्मूले को बराबर रख दूंगा। अब यहाँ पे के के से कैंसिल हो रहा है तो ये हमारे पास रिलेशन बच गया। अब चूंकि हमने F2 मालूम करनी है तो D2 का स्क्वायर दूसरी तरफ आके डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई, F1 है हमारे पास 0.1, D1 ये 5 सेंटीमीटर था, इसको जब मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 0.05 स्क्वायर आ गया और D2 को जब मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.02 स्क्वायर आ गया। अगर हम इसको कन्वर्ट ना भी करें क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट्स हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन बेटर है कि आप इसको SI सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों के दरमियान फोर्स, जब फासला 2 सेंटीमीटर रह जाएगा तो 0.625 न्यूटन होगी। तो आप देख सकते हैं पहले फोर्स 0.1 न्यूटन थी और अब बढ़ के 0.25 न्यूटन हो गई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।